नेक्स्ट है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इवेंट्स जो हैं वो दीज आर द सिक्वेंशियल इवेंट्स हैव बीन ग्रुप्ड इन थ्री स्टेजेस. कह रहे कि थ्री स्टेजेस में इवेंट्स को बांटा गया है. पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है. दीज आर ऑफ देयर आर टू इवेंट्स इन दिस कैटेगरी. फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, सेकंड इज गैमेट ट्रांसफर. गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की. गैमेट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स. एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा, इसमें जो है गैमेट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, फंक्शनली भी सिमिलर हैं. सेकंड एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास की. क्लेमाइडोमोनास द गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट डिफरेंट साइज. दे आर नोन एज एन आइसोगैमेट्स. कह रहा है कि एन आइसोगैमेट्स का मतलब कि गैमेट्स जो हैं वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैं. एक बड़ा स्ट्रक्चर है गैमेट का और दूसरा जो है गैमेट का स्मॉलर स्ट्रक्चर है. तो ये एन आइसोगैमेट्स हैं. क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल है. द गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट डिफरेंट साइज. दे आर कॉल्ड एज एन आइसोगैमेट्स. अगर बात करें ह्यूमंस की, एक एग्जाम्पल ह्यूमन का है, दूसरा जो है फ्यूकस है. तो ह्यूमन में जो है वो हेटीरोगैमेट्स पाए जाते हैं. ठीक है, ये जो गैमेट्स हैं ये स्ट्रक्चरली जो हैं वो डिफरेंट हैं. एक जो है फीमेल ओवम है जो कि लार्जर इन साइज़ है, और ह्यूमन के स्पर्म्स हैं जो कि स्मॉलर इन साइज़ हैं. तो इनको क्या कहते हैं? हेटीरोगैमेट्स कहते हैं. उसी तरह से जो है वो फ्यूकस में एग्जाम्पल है हेटीरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस. क्लेमाइडोमोनास द गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट डिफरेंट साइज. इनमें गैमेट्स जो हैं मॉर्फोलॉजिकली इनके फंक्शनिंग सिमिलर हैं बट डिफरेंट साइज. ये साइज में जो हैं वो डिफरेंट हैं. दे आर नोन एज एन आइसोगैमेट्स. इन ह्यूमंस गैमेट्स आर ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप आर कॉल्ड एज हेटीरोगैमेट्स. एग्जाम्पल फीमेल एग एंड मेल स्पर्म. फीमेल एग ओवम एग एंड ह्यूमन स्पर्म्स मेल स्पर्म्स.